अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का आज मेरे MS सिद्दीकी ब्लॉग में स्वागत है। दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। उस दिन हमने आपको अपनी फिंचर्स के अंडे दिखाए थे, उन्होंने 3 अंडे कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैंने उनके हंडिया निकाली, अंडा उसमें 5 अंडे हो गए थे। 5 अंडे हुए तो फिर मैंने लाओ देखते हैं इसमें कितने अंडे सही हैं क्या हैं, कैंडलिंग करके देखी तो मेरे हाथ से एक अंडा फूट गया। अब 4 अंडे बचे हैं। आज तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं, हम लोग आज फिर से कैंडलिंग करके आप लोग को दिखाएंगे कि एक कैंडलिंग कितने बच्चे, कितने अंडों में खून बना हुआ है, कितने अंडों में खून नहीं पड़ा है। और अभी हम आप लोग को दिखाते हैं हमारी फिंच। उधर देखिए, हमारे ऊपर फिशर्स दिख रहे हैं, नीचे फिंच की जाल है, और टमाटर के बच्चे इधर टहल रहे हैं, कबूतर भी चुन रहे हैं। दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरा करके अपने कबूतर और सब जानवर दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को हम दिखाते हैं फिंचेस के अंडे एक कैंडलिंग करके। ये हमारा एक टर्की चिक यहाँ बैठा हुआ है पेड़ के अंदर, इधर बैठा हुआ है, धूप में बहुत मज़ा आता है इन लोग को। वो वहाँ बैठा हुआ था, ये देखिए अंदर जा रहा है एक। तुम इधर से निकलो, बड़ा चूहा गया है अभी उधर, तुम्हें कहीं दौड़ा है ना। चलो, ये हमारा एक टर्की बेबी, ये है एक टर्की चिक, ये हमारे लक्की कबूतर मस्ती कर रहे हैं, ये दाना पड़ा हुआ है, बाजरा खिला रहा हूँ अभी इनको। ये हमारे लक्के कबूतर हैं। चलिए अब आपको हम अपने फिशर दिखा दिए। मैंने वो जो हैन फीडर बनाया था, ये हैन फीडर है, इसमें बच्चे खाना खाते हैं। हैन फीडर बच्चे दिखा देते हैं अब आप लोग को फिशर्स अपने। ये हमारे फिशर्स हैं, हमारे फिशर्स हैं। और अब हम चलते हैं अपने फिंच की तरफ। जैसे कि आप लोगों के सामने ये इधर वाले बॉक्स में दिख रहा होगा, एक फिंच बैठी हुई है अंदर, एक फिंच अंदर बैठी हुई है, और एक उधर ऊपर बैठा है। उसका मेल नहीं है, इसका मेल नहीं है, बड़ा वाला, ये जो खाली मेल है ये वो वाला मेल है खाली जो है, और इसका पेयर वाला ये यहाँ बैठा हुआ है इस जगह पे, ये रहा। ये फिशर तो इतना शोर करने लगते हैं, बहुत बोलते हैं ये यहाँ पे। अभी हम आप लोग को फिंच दिखाते हैं। इसके अंडे देखिए आप लोग, 4 अंडे रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कि चारों अंडे फर्टाइल हैं। थोड़ा देखिए रोशनी हुई है बगुला में, ये 4 अंडे हैं इसमें। अभी निकाल के एक कैंडलिंग करेंगे, एक कैंडलिंग करके दिखाएंगे आप लोग को, और फिशर्स दिखा देते हैं। ये इन लोग तुरंत उड़ने लगती हैं, ये देखिए तीनों ये बैठे हुए हैं। अब चलते हैं आप लोग को लक्के का बच्चा दिखाते हैं हम। चलिए चलते हैं अब लक्के की पेटी की तरफ, और इसको हम लोग पहले जाल पे से, ये देखिए केरा, इसको हम इसके जाल में कैमरा डाल के दिखाते हैं। ये बैठा हुआ है, ये हमारा लक्के का बच्चा, इतना बड़ा हो चुका है, ये तकरीबन 10 से 12 दिन का हो चुका है। इसको भी हम आप लोग को निकाल के भी दिखाते हैं, बाहर निकालते हैं फिर दिखाते हैं। ये रहा बेबी, अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी मम्मी पापा क्या करते हैं, इसको हम लोग ने बाहर निकाला है, देखते हैं। ये इसका मेला, इसका 12 है इसके पास, फिर वापस चला गया ये, देखते हैं हम लोग दूर से क्या करता है। चलो सब लोग पीछे जाओ, देखते हैं हम लोग बच्चे के साथ क्या करते हैं। ये इधर से आ रहे हैं दोनों, मेल फीमेल हैं, ये पानी पीने लगा। ये इसका बेबी यहाँ पे है, ये इसकी मादा जा रही है अपने बच्चे के पास, ये गई
देख रही है मेरा बच्चा बाहर कैसे आ गया। नजारा चेक करने की मेरा बच्चा अंदर बाहर कैसे आ गया। ये देखिए पेटी के अंदर जाके मस्ती करके फिर बाहर निकल आया। ये देखिए दोनों अपने बच्चे के पास आ गए हैं। ये फिर उधर भाग गया, इसको दौड़ा रहा है पहले वाले बच्चे को, कहीं वो मारे नहीं, वो अंदर चले गए अपने खाने में। चलिए बच्चे को हम लोग फिर से उनकी जगह पर रख देते हैं। ये बच्चे को हम लोग ने अंदर डाल दिया है। ये रहा तीनों माँ बाप इसके, ये बच्चे अभी हो सकता है फीड मांग रहा हो। ये देखिए ये इसका बाप इसको फीडिंग करा रहा है, फीड दे रहा है, इसको खाना खिला रहा है। इधर से दिखाते हैं, इधर से साफ दिखेगा अंदर से। ये देखिए इसको फीड करा रहा है बच्चे को। ये बच्चा यहाँ बैठ गया, फीड कर रहा था अभी, ये बैठ गया है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने उसमें क्या कहते हैं फिंचेस के पास, उनका एक की हैंडलिंग करते हैं, एक की हैंडलिंग करके फिर दिखाते हैं आप लोग को। चलिए अब हम लोग इनके फिंच की फिंच के एगो की एक हैंडलिंग करते हैं और लेके चलते हैं अंडे को अंदर। अभी हैंडी हम लोग ने निकाल ली है, अब चलते हैं हम लोग अंदर ले करते हैं। आइए पहले अंडा आराम से निकालें। उस दिन हम लोग ने अंडा फोड़ दिया था इसलिए हाथ से नहीं छुएंगे अंडा आज। ये अंडे निकल गए हैं। लाइट बुझा दो साहब, ज़रा लाइट बुझाओ। हम लोग एक ही अंडा उठा के अंडे के पास दिखाओ, इसमें खून नहीं पड़ा है। ये देखिए बल्ब की तरह जल रहा है अंडा बिल्कुल, ये सही नहीं है अंडा। दूसरा उठा लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ओहो ये देखिए, ये देखिए इसमें खून बन गया है, बच्चा पड़ जाएगा इंशाल्लाह इस बार इसमें। तीसरा अंडा इसमें भी देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग को बच्चा बनता हुआ इसमें, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। एक अंडा और हमारे पास और बचा है। ये देखिए माशाल्लाह से इसमें भी बच्चा तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको हम लोग फिर से में रख देते हैं हंडी में, एक एक करके धीरे से रख देते हैं। ये हमने धीरे धीरे एक एक अंडा इसमें रख दिया है फिंच में अपने। अब चलिए इन लोग को हंडिये में टांग देते हैं फिलहाल के लिए। तुम लाइट जला दो रूम की, वहाँ डाल देते हैं क्योंकि हमारी फिंचेस परेशान हो रही हैं कि हमारा घोंसला गया कहाँ के साथ। तो चलिए हम लोग जल्दी से करते हैं, जल्दी से हम लोग टांग के छोड़ देते हैं। ये इसलिए हमने टांग दिया है, अब ये हमारी फिंचेस इसमें जाके बैठ जाएंगी। ये देखिए इधर से हम लोग टांग चुके हैं, ये टांग दिया है, फिंचेस यहाँ पे हैं। वो देखिए उसका मेल जा चुका है, ये देखिए तुरंत फीमेल अंदर पहुँच गई, मेल अंदर पहुँच गया तुरंत। ये देखिए अंडे को एडजस्ट कर रहा है वो कि कैसे उसको क्या कहते हैं हीट कैसे दिया जाए। देखा हम लोग ने एक कैंडलिंग करी जिसमें कि तीन एग में बच्चे बन रहे हैं, एक हमारा लग रहा है ख़राब हो जाएगा इस बार, और एक तो मेरे हाथ से पहले ही फूट गया था। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों से कहें मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।
अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।